एपडेली के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एपडेली के न्यू वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों आईपी लोन एप्लीकेशन के बारे में। आईपी लोन पर्सनल लोन एप्लीकेशन क्या है दोस्तों और इस एप्लीकेशन को आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं लोन लेने के लिए, तो आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एप्लीकेशन से आप लोन किस तरह से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, कितना लोन ये एप्लीकेशन आपको दे रहा है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा दोस्तों एप्लीकेशन रियल है या फेक है, तो वीडियो को अंत तक के वॉच करना। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन आप जैसे करते हो दोस्तों इस एप्लीकेशन को, तो आपको क्या एंटर करने बोलता है ये दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका 10 नंबर का यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद एक ओटीपी आपको जनरेट होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 डिजिट का ओटीपी एंटर होता है, तो आपको 4 डिजिट का ओटीपी डाल देना है। डालने के बाद एप्लीकेशन जो होता है मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे वेरीफिकेशन हो जाता है। मोबाइल वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या बोलता है दोस्तों, आपको सबसे पहले बोलता है आपका नाम एंटर करने का। एंटर करने के बाद उसके बाद आपको क्या बोलता है, जो ईमेल एड्रेस होता है वो आपको एंटर करने का बोलता है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपकी बर्थडे डेट यहाँ पे एंटर करने का बोलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 21 प्लस से ऊपर हो गए जब भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे की साइड क्या बोलता है, आपका पिन कोड एंटर करने का बोलता है दोस्तों। पिन कोड आप जैसे एंटर करते हो दोस्तों आपका जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर हो जाता है। तो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों। तो सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया है दोस्तों। एंटर करने के बाद नीचे की साइड आपको यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेना है, ओके कर देना है। अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट, ओके कर देना है। ओके आप जिस करते हो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। आपसे क्या पूछता है दोस्तों, ये आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो आपसे पूछता है। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछता है दोस्तों, आपकी फैमिली की मंथली सैलरी इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपको सिंपल तरीके से कुछ भी यहाँ पे एंटर कर लेना, आपकी जो भी इनकम है दोस्तों वो आपको यहाँ से सिंपल तरीके से एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे की साइड आपको एग्री का ऑप्शन मिलता है, एग्री कर देना है। आपकी जो भी इनकम है वो आपको एंटर करने के बाद कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आपको आता है, ओके कर देना है। ओके आप जैसे ही करते हो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आता है दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्या बोलता है दोस्तों, सबमिट केवाईसी। तो यहाँ पे सबमिट केवाईसी का ऑप्शन आता है। केवाईसी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड वो आपकी केवाईसी होती है दोस्तों। तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए से 5000 से लेके तो 50000 तक का लोन इजीली तरीके से यहाँ पे ले सकते हो। तो ऊपर की साइड यहाँ पे आपको पैसे बढ़ाना है, जितना आपको लोन होना सिंपल तरीके से आपको बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं कोई भी यहाँ पर ऑप्शन कर लेता हूँ, जैसे कि 2 लाख यहाँ पे मैंने कर लिया एंटर। एंटर करने के बाद आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए वो भी आपको नीचे की साइड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कितने दिनों के लिए लोन चाहिए वो आप यहाँ पे देख लेना है। देखने के बाद मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे 12 मंथ के लिए लोन लेता हूँ। 12 मंथ के लोन लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है यहाँ पे आपको क्या बोलता है दोस्तों, आपका कौन सा आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। आधार कार्ड का, वोटर कार्ड का, जो भी आपको एंटर करना है वो आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपको क्या बोलता है, पैन कार्ड का नंबर, जो आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नीचे की साइड आपको आ जाना है दोस्तों। अकाउंट नंबर आपसे पूछता है, आपका अकाउंट नंबर क्या है वो आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपसे क्या पूछता है, आई एफ सी कोड क्या होता है दोस्तों, जो आपकी बैंक की डायरी में होता है दोस्तों, उसमें आपको आई एफ सी कोड आसान से मिल जाता है, वो आपको एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो लोन होता है दोस्तों इजीली तरीके से यहाँ पे हो जाता है। थोड़ा वेटिंग में जाता है, फिर उसके बाद लोन आपको मिल जाता है। अब मैंने आपको लोन लेने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी, लोन लेने के लिए कितना लोन आपको मिल जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, आपको मतलब लोन लेने के लिए सारी जानकारी बता दी दोस्तों। अब बात रही है इस एप्लीकेशन की रियल और फेक की, तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन की रेटिंग चेक कर लेनी है। बात करें इस एप्लीकेशन
सेक्शन की रेटिंग की तो 1.0 की इसकी रेटिंग है। तो रेटिंग के थ्रू आप किस तरह से पता कर सकते हो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जितने भी यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, वो रिव्यू के थ्रू, रेटिंग के थ्रू रिव्यू देते हैं कि एप्लीकेशन रियल है या फेक, एप्लीकेशन का काला सच आपको पूरा रेटिंग के थ्रू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यही थी दोस्तों इस एप्लीकेशन की, आईपी लोन एप्लीकेशन की जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।